पढ़ेंगे पार्किंसोनिज्म की फार्माकोलॉजी, ठीक है। उसके लिए पहले अपन ये जान लेते हैं कि पार्किंसोनिज्म होता क्या है। एक है न्योस्टेटम। न्योस्टेटम क्या है? ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। एक है सब्सटिंक्शन एग्रा। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है। एक राम है, एक रावण है, ठीक है। सब्सटिंक्शन एग्रा तीर चलाता है और न्योस्टेटम भी तीर चलाता है, ठीक है। सब्सटेंशन आएगा तीर चलाता है, डोपामिन ये चलाता है गाबा, ठीक है। गाबा गाना विटामिन से। अब जो डोपामिन है, अब जो तीर चल रहा है, तीर तो हमेशा इनहिबिट करने का काम करेगा, ठीक है। तो डोपामिन से सब्सटेंशन आएगा न्योस्टेटम को इनहिबिट कर रहा है और न्योस्टेटम गाबा से सब्सटेंशन आएगा को इनहिबिट कर रहा है। यहाँ तक सही चल रहा था काम। और हुआ क्या कि सब्सटेंशन आइग्रा में एक विद्रोही है, उसने क्या करा कि जो सब्सटेंशन आइग्रा की कुछ सेल्स थी उनको डिजेनरेट कर दिया। अब क्यों हुई डिजेनरेट ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे। पर अभी ये जान लो कि सब्सटेंशन आइग्रा की सेल्स होगी डिजेनरेट, तो डोपामिन के लेवल में कमी आ गई। अब न्यूस्टाइटम को तीर लगना हो गया बंद। अब जब तक तीर लग रहा था तो न्यूस्टाइटम एक काम कर रहा था, वो ये कर रहा था कि वो एसिटाइल कोलिन को सेक्रेट कर रहा था जो कि मसल की टोनिसिटी बनाए रख रही थी। लगातार सिक्रीट कर रहा था इरेस्पेक्टिव ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही तभी सिक्रीट कर रहा, नहीं, लगातार सिक्रीट कर रहा। तो अब क्या हुआ, इसको तीर लगना कम हो गया। तो इसको लगा कि ठीक है यार, अब क्या ही करूँगा, अब सिक्रीट छोड़ो फिर, ठीक है। तो ये बंद कर देता। इसकी वजह से पार्किंसोनिज्म के जो मेजर इफेक्ट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। वो सब क्या है और कैसे है वो सब अपन पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो ट्रीट कर सकते हैं पार्किंसोनिज्म को। अब उसके पहले ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ ड्रग काम कर सकता है, ठीक है। ये प्रीसिनेप्टिक नोब, पोस्ट सिनेप्टिक नोब, ठीक है। ये अपना हो गया डोपामिन के रिसेप्टर। अपने पास डोपामिन भरा हुआ है इस वेसिकल में, यहाँ पर खूब सारा डोपामिन भरा हुआ है, ठीक है। ये सिनेप्स है, डोपामिन आ गया सिनेप्स रिसेप्टर पे काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या हो सकता है, अगर रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा तो दो एंजाइम, पहला है माओ बी। माओ भी क्या होता है, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज बी, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं इसके, ए और बी, उसके बारे में भी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है COMT, कैटेकोलम मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। ये दोनों इसको तोड़ के कोई और प्रोडक्ट बना देते हैं और डोपामिन की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, ठीक है। अब पार्किंसोनिज्म में क्या हुआ कि डोपामिन कम हो गया, वैसे ही कम हो गया डोपामिन। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। पहला तो ये है कि अपन डोपामिन ही दे दें बाहर से, ठीक है, तो ट्रीट हो जाएगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि ये माओ और ये COMT इनको इनहिबिट कर दें, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ माओ है COMT। तीसरा ये कर सकते हैं अपन कि रिसेप्टर को थोड़ी पता है कि डोपामिन आ रहा है कि डोपामिन का एगोनिस्ट आ रहा है। अगर अपन डोपामिन जैसा दिखने वाला कुछ और भेज दें और वो इससे बाइंड करने के लिए बाइंड कर दे डोपामिन की तरह, तो यहाँ तो सिग्नल्स वही जाएंगे ना, सेम है। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे अपन पार्किंसोनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है डोपामिन का ट्रांसपोर्ट, डोपामिन का लेवल को बढ़ाना, ठीक है। और डोपामिन के लेवल को बढ़ाया जाए उसके लिए अपन ने एक ड्रग बनाई, उसका नाम है लिवोडोपा, एल्डोपा। अब एल्डोपा का काम क्या है, एल्डोपा कैसे काम कर रहा है, कैसे बढ़ा रहा है डोपामिन का लेवल। एल्डोपा लिवोडोपा इज अ प्री ड्रग, ठीक है, प्रोड्रग। तो ये
पहले मेटाबोलाइज होगा डोपामिन बनाने के लिए, अब इसको मेटाबोलाइज कौन करवा रहा, इसको मेटाबोलाइज करवा रहा है डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज, एक एंजाइम होता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, वो इसको डोपामिन में कन्वर्ट करवा रहा है। हो गया काम अपना, अपना डोपामिन बढ़ाना था बढ़ा दिया, हो गया काम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एल डोपा जो है वो घुमंतु आदमी है, अपन ने उससे बोला कि तू CNS में जाके और डोपामिन बढ़ा दे, उसने कहा ठीक है साहब, ये ना BBB क्रॉस कर देता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जाके CNS में इसने अपना डोपामिन बढ़ा दिया। पर इसने कहा इतनी बड़ी बॉडी केवल CNS में क्यों बढ़ाऊँ, ये और जगह भी गया। ठीक है, अपने कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है एक CTZ, वहाँ भी गए भाई साहब, BBB के बाहर होता है और पेरीफेरी में भी GIT वगैरह सब जगह पे एल डोपा जो है घूमता फिरता रहा और कन्वर्ट होता रहा डोपामिन में, तो इसकी वजह से खूब सारे साइड इफेक्ट आ गए अपन को, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, ठीक है, नोजिया वगैरह सब आ गए, बहुत सारे सिम्टम्स आ गए। तो अपन ने कहा यार ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी यार, ये तो अपने ही एंटी में काम कर रहा, तो कुछ ऐसा दें अपन इसको, ऐसा कुछ लगाएं जिससे कि ये केवल CNS में काम करे। ठीक है, तो अपन ने भेजा कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या है, कार में बैठी हुई बाई, ठीक है, तो कार में बैठी हुई बाई आई, बाई के पास झाड़ू है, तो बाई ने झाड़ू मारा, किसको मारा झाड़ू, भाई एल डोपा को तो मार नहीं सकती क्योंकि वो नाराज हो जाएगा तो डोपामिन देना बंद कर देगा, तो इसका जो दोस्त था डोपा डिकार्बोक्सिलेज उसको झाड़ू मारा, ठीक है, उसको इसने कर दिया इनहिबिट कार्बिडोपा ने। और इस बाई की खास बात यह है कि ये कोनों में सफाई का ना ज़्यादा पैसे लेते, ठीक है, तो अपन तो ज़्यादा पैसे देने वाले हैं नहीं, अपन तो कंजूस आदमी, तो अपन ने ऐसे बोला कि भाई तू पेरीफेरी में काम कर, बस CNS में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो इट ओनली वर्क्स इन पेरीफेरी, ठीक है, तो इसने पेरीफेरी के डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर दिया। अब अपने पास बड़ा काम हो गया, एल्डोपा कार्बिडोपा को साथ में दे देंगे तो एल्डोपा जो है वो पेरीफेरी में कुछ कर नहीं पाएगा उसका ज़्यादा काम, और वो जाके अपना काम करेगा कहाँ पर, CNS में, जहाँ अपन को उसको करवाना है डोपामिन बढ़ाना है अपन को। पर हुआ क्या कि पेशेंट जो है उसने खाया खाना, ठीक है, प्रोटीन खाया, वो बॉडी बिल्डर था, उसने प्रोटीन खा लिया, और प्रोटीन के बाद उसने एल्डोपा की गोली खाई, उसको पार्किंसोनिज्म भी था, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि उसका गोली ने उसका काम नहीं किया, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन जो होता है ना उसके हैवी अमीनो एसिड्स लाइक ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन दे बोथ कम्पीट विथ एल्डोपा फॉर ट्रांसपोर्ट इन CNS। एल्डोपा के साथ कंपीट करते हैं, ठीक है, धक्का मुक्की करते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा ऐसे, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे पेशेंट को कि भाई तू खाना मत खा, सिंपल, तो बच जाएगा, पर ऐसा तो बोल नहीं सकते, नहीं तो वैसे मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, तो अपन उससे बोलते हैं कि एक काम कर, तू तेरे को दिक्कत आ रही है, अब एक काम करो 45 मिनट पहले खाने के तभी दवा खाओ, ठीक है, कुल मिला के अपना जो मेन वो क्या है, खाली पेट खाओ इस दवा, खाली पेट खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ तक आ गया अपन को समझ में, खाली पेट खाओ और ये और वो सब आ गया। अब उसके बाद क्या होता, डोपा डिकार्बोक्सिलेज को भी अपन ने इनहिबिट कर दिया, और हुआ क्या कि लेवोडोपा चंट आदमी है, तो उसने कहा कि ठीक है तुमने मेरे को ऐसे इनहिबिट किया ना, मैं दूसरे तरीके से आऊँगा, तो एल डोपा जो है उस डोपा डिकार्बोक्सिलेज का भाई कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, वो एल डोपा को कन्वर्ट कर रहा था 3-ऑर्थोमिथाइल डोपा। अब चूंकि ये छोटा भाई है तो जब तक डोपा डिकार्बोक्सिलेज था तब तक तो इसका ज़्यादा चल नहीं रहा था बस, ठीक है,
बट अब डोपा डिकार्बोक्सिलेज की अपनी बाई ने साफ सफाई कर दी, तो अब COMT जो है वो बढ़िया, उसको आ गया मज़ा कि यार सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई नहीं रोकने वाला, बड़े भैया तो गए निकल लिए। तो क्या होता है कि जो 3-O-methyl डोपा जिसका अमाउंट पहले कम था, अब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, टिश 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 खूब सारा बढ़ गया, ठीक है। अब ये कम्पीट करता है एल डोपा के साथ कि अब मैं तेरे बराबर में आ गया, तू भी डोपा मैं भी डोपा, ठीक है। तो ये दोनों कम्पीट करते हैं CNS में ट्रांसपोर्ट के लिए। तो एल डोपा ने कहा यार ये तो गलत बात है यार, ऐसे तो तुमने तो मेरे को डाल भी दिया और फंसा भी दिया यार तुमने तो मेरे को, है ना, तो गलती तो अपनी है, तो अब अपन को कुछ करना है ऐसा कि बचा ले यार एल डोपा को, क्योंकि सब इससे कंपटीशन कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन देते हैं COMT को भी इनहिबिट कर दो सिंपल एल डोपा में, ठीक है। 3-O-methyl डोपा जो है ये नॉर्मली भी बनता है, बट अब चूंकि अपन ने कार्बिडोपा दे रखा है तो लेवोडोपा की कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है, इस कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह 3-O-methyl डोपा की भी कंसनट्रेशन बढ़ रही है, और 3-O-methyl डोपा लेवोडोपा से कम्पीट करता है फॉर ट्रांसपोर्ट इन CNS, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास दो ड्रग है, एंटोकापोन एंड टोलकापोन, ये दोनों अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट दिक्कत है कि इनका साइड इफेक्ट है कि लीवर टॉक्सिसिटी करवाते हैं। अब लीवर टॉक्सिसिटी करवाएंगे तो अपन को जब ये अपन एडमिनिस्टर करेंगे ये ड्रग्स, तो साथ में अपन को जो है लीवर के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, लीवर के फंक्शंस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है जो विटामिन B6 है, पाइरिडॉक्सिन, इट इंक्रीजेस पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लेवोडोपा, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पेशेंट एल डोपा की थेरेपी ले रहा है वो विटामिन B6 का कंजप्शन उसका कम रहे, ठीक है। अब अगला आता है अपने पास, इसके बाद अपन बात करते हैं कि माओ क्या होता है। माओ इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। दो टाइप के होते हैं ये, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए पेरीफेरी में डिस्ट्रक्शन करता है, लगभग सब जगह पाया जाता है, किस किस का मेटाबॉलिज्म करता है, एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन, ठीक है, सीरेटोनिन एंड डोपामिन, ठीक है। बी का होता है CNS में, और मोस्टली किसका करता है, डोपामिन का, ठीक है। तो अब अपन को डोपामिन का डिस्ट्रक्शन करने वाले, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम को अगर अपन कम कर दें, ठीक है, डिस्ट्रक्शन सही वर्ड नहीं, एंजाइम, सो डोपामिन का मेटाबॉलिज्म कम करने वाले एंजाइम को अगर अपन इनहिबिट कर दें तो डोपामिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन देते हैं माओ बी इनहिबिटर्स, ठीक है। माओ बी इनहिबिटर्स कौन कौन से, सिलेजिलिन एंड रोसाजिलिन, ठीक है, सिलेजिलिन एंड रोसाजिलिन। सिलेजिलिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे बनता है एम्फिटामिन्स, दिस कॉजेस इंसोम्निया, तो ये इसका एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट होता है सिलेजिलिन का, किस इससे इंसोम्निया होता है। वहीं रोसाजिलिन इससे इसका मेटाबॉलिज्म एम्फिटामिन में नहीं होता है, ठीक है, और साथ ही ये मोर पोटेंट है देन सिलेजिलिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेंटाडीन की, अमेंटाडीन क्या है, अमेंटाडीन इज एन एंटीवायरल ड्रग। तो अगर ये एंटीवायरल ड्रग है तो हमने यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि अमेंटाडीन का एक्सीडेंटली ये पाया गया कि ये एंटी पार्किंसन ड्रग की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्यों, क्योंकि ये तीन तरह से काम कर रही है पार्किंसन को कम करने के लिए। पहला, इट इंक्रीजेस डोपामिन कंसंट्रेशन, दूसरा, ब्लॉक्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, और तीसरा, इट ब्लॉक्स NMDA रिसेप्टर्स। NMDA क्या है, N मिथाइल डी एस्पार्टेट ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ठीक है।
इन तीनों की वजह से डोपामिन का लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से जो है अपन को पार्किंसोनिज्म के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? एक्चुअली इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या अंदर आता है? रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन। तो हो सकता है कोई आदमी जो पागल सा हो और इधर उधर दौड़ रहा हो, ठीक है, उसको कन्फ्यूजन हो और उसको कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा आप इमेजिन करो कि एक ऐसा आदमी है जो इधर उधर दौड़े दौड़े भाग रहा है, ठीक है, उसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको कुछ दिख रहा है, ठीक है, जो कि असली में है ही नहीं। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है ये? ठीक है, अब इसी आदमी ने अपने जो है हायर डोजेज ऑफ एमेंटाडीन ले ली, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस होता है। ठीक है, दिस इज नॉट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस। ठीक है, उसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब उस आदमी का जो है दिमाग तो खराब हो ही रखा है साइकोसिस से। ठीक है, उसको खड़े खड़े जो है उसका सिर घूम रहा है। अब ठीक है, सिर क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपोटेंशन हाई डोजेस पे हो रहा है। ठीक है, साथ में क्या है कि उसने दोनों पाँव भीज रखे हैं अपने। क्यों भीज रखे हैं? क्योंकि उसको हो रहा है यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, यूरिन रह रहा है बॉडी में और यूरिनरी रिटेंशन होगा तो साथ में क्या होगा? पेरिफेरल एडिमा, पूरी तरह से फुला हुआ आदमी। ठीक है, तो एक फुला हुआ आदमी जिसको एडिमा है पूरी तरह से, ठीक है, वो फिर रहा है इधर उधर दौड़ा भागा फिर रहा है। ठीक है, साथ में उसको कन्फ्यूजन है, हेलुसिनेशन है और एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, अलॉन्ग विद सिर घूम रहा है, मतलब हाइपोटेंशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन अगला एजेंट, अगली ड्रग पढ़ते हैं, वो है एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। इनमें कौन कौन आते हैं पहले उनकी बात करते हैं। बेंजोट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन, एंड ट्राई हेक्सी फेनिडिल। ठीक है, बीटी, ठीक है, ब्लड प्रेशर वाला ब्लूटूथ है। तब ये कैसे काम करता है? ये एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, डोपामिन पे कोई काम नहीं इसका। उसकी वजह से जो अपन को पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज़रूर कम हो जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या इसकी वजह से? साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आ सकते हैं? मूड चेंज आ सकता है, मूड चेंजेस। ठीक है, ज़ीरोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये हो सकता है। विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, M3 रिसेप्टर्स, GI पेरिस्टेल्सिस को इनहिबिट करता है, M1। ठीक है, आल्सो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लोकोमा, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब ये इन तीनों में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है चारों में, वो अपन पढ़ेंगे ANS में। अभी पढ़ने का उसका कोई खास रीज़न दिख नहीं रहा मुझे। और अगर अब अपन लास्ट ड्रग की बात करते हैं, लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्या? डोपामिन एगोनिस्ट, मतलब डोपामिन जैसे सब्सटेंस। ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट, इनको अपन दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला एर्गोट डेरिवेटिव एंड नॉन एर्गोट डेरिवेटिव। ठीक है, एर्गोट, नॉन एर्गोट।
डेरिवेटिव में अपने पास केवल एक है, ब्रोमोक्रिप्टिन, और नॉन एरगेट में एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन ठीक है, प्रोमेपेक्सोल, रेपिनेरोल, रोटिगोटिन। इसके बारे में याद रखना है कि ये पेचिस के रूप में मिलता है, डर्मल पेचिस के रूप में ठीक है। प्रोमेपेक्सोल एंड रेपिनेरोल द बोथ आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसोनिज्म डिजीज। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड जो कहता है वो कहता है कि आप यूज़ करो क्या लेवोडोपा, बट अपन प्रोमेपेक्सोल और रेपिनेरोल को क्या मानते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसोनिज्म डिजीज ठीक है। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, एपोमॉर्फिन के बारे में पढ़ेंगे, पहले ब्रोमोक्रिप्टिन की बात कर लेते हैं जल्दी से ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टिन, अब ये क्या करवा रहा है, पहले इसके साइड इफेक्ट्स देखो। काम तो डोपामिन एगोनिस्ट है तो डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड करता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, नोजिया ठीक है, नोजिया, वही ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, पर खास चीज़ क्या है, ये करवाता है वेसोस्पाज्म, पेरिफेरल वेसोस्पाज्म ठीक है, और बहुत खतरनाक वाला पेरिफेरल वेसोस्पाज्म, नेक्रोसिस तक हो जाए इतना ठीक है। और साथ में क्या करवाता है, फाइब्रोसिस करवाता है पल्मोनरी एंड रिट्रोपेरिटोनियल। तो अपन इसको बहुत कम ही एडमिनिस्टर करते हैं ठीक है। एपोमॉर्फिन की बात करें, एपोमॉर्फिन इज यूज्ड इन ऑफ फिनोमिनन। अब ऑन ऑफ फिनोमिनन क्या होता है ये अपन एंड में डिस्कस करेंगे ठीक है। ये इसका मेजर फंक्शन है एपोमॉर्फिन का ठीक है। रेपिनेरोल एंड प्रोमेपेक्सोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स फॉर पार्किंसोनिज्म एज दे आर ड्रग ऑफ चॉइस ठीक है। दे डू नॉट कॉज फाइब्रोसिस, दे डू नॉट कॉज वेसोस्पाज्म। हालांकि नोजिया करवाएंगे, हेलुसिनेशंस करवाएंगे ठीक है, इंसोम्निया, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड लेस डिस्काइनेसिया ठीक है। ड्रग्स लाइक सिमेटिडीन विच कॉजेस ब्लॉकेज ऑफ रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन और डिक्रीज रिनल टिबुलर सिक्रीशन, इंक्रीजेस हाफ लाइफ ऑफ प्रोमेपेक्सोल 40%। क्यों, क्योंकि इसका रिनल से एक्सक्रीशन हो रहा था ठीक है प्रोमेपेक्सोल का, तो ये 40% तक हाफ लाइफ बढ़ा देता है सिमेटिडिन। इसी के साथ एक और अपन जो है एंटीबायोटिक का आता है फ्लोरोक्विनोन, फ्लोरोक्विनोलोन ठीक है, एफ क्यू लिख देता हूँ, फ्लोरोक्विनोलोन। ये जो है CYP1A2 हिपेटिक एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो ये रेपिनेरोल का एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म को कम करता है ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ड्रग्स के बारे में ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑन ऑफ फिनोमिनन एंड वियरिंग ऑफ फिनोमिनन। अब अपने पास दो टॉपिक बचे, ऑन ऑफ फिनोमिनन, वियरिंग ऑफ फिनोमिनन, और उसके बाद अपन रिवाइज कर लेते हैं ठीक है। तो ऑन ऑफ फिनोमिनन क्या होता है, बेसिकली क्या है, पेशेंट को जब अपन मेडिसिन दे रहे हैं पार्किंसोनिज्म में, तो
तो कभी जब तक उस पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो कम रहे मेडिसिन की वजह से तो वो ऑन फिनोमिनन है, जब पेशेंट के सिम्टम्स वापस रीअकर हो गए तो वो ऑफ फिनोमिनन। ठीक है, वियरिंग ऑफ फिनोमिनन क्या है? देखो मान लो अपन ने पेशेंट को 500 mg दी फर्स्ट डोज, ठीक है, तो उसके 20 घंटे ऑन फिनोमिनन रहा और 4 घंटे ऑफ रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसी 20 mg से 18 घंटे ऑन 6 घंटे ऑफ, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम अमाउंट का डोज अपन देते रहेंगे तो ऑफ टाइम बढ़ता जाता है और ऑन टाइम कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस फिनोमिनन को बोलते हैं वियरिंग ऑफ फिनोमिनन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नर्व्स हैं वो तो डिजनरेट हो रही है। अब आप कितना भी दे लो, लिवरडोपा दे दो या कुछ भी दे दो, मोस्टली लिवरडोपा में देखा जाता है वियरिंग ऑफ एंड ऑन ऑफ फिनोमिनन। ऐसा क्यों? क्योंकि अब अगर आप लिवरडोपा दे भी रहे हो तो अभी नर्व्स तो डिजनरेट हो गया, ठीक है, तो अब वो डोपामिन जाएगा कहाँ जब नर्व है ही नहीं तो। ठीक है, तो इसलिए फिर अपन इसके लिए क्या करें, अपन हो सकता है कि अपन डोज बढ़ा दें। हाँ, डोज बढ़ाने से आपका जो ऑन टाइम है वो बढ़ जाएगा और ऑफ टाइम कम हो जाएगा, बट थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद वापस चूँकि नर्व लगातार डिजनरेट कर रही है तो वापस ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा और ऑन टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ड्रग्स जो हैं वो पूरे ख़त्म हो गए। एक बार रिवीजन के लिए अपन एक पिक्चर देखते हैं। इसमें सभी लगभग सभी ड्रग्स को थोड़ा थोड़ा जो है एग्जाम्पल देके समझाया गया। सबसे पहला एल्डोपा, ठीक है, एल्डोपा क्या कर रहा है, डोपामिन के लेवल को बढ़ा रहा है। ठीक है, COMT इनहिबिटर्स क्यों, ये क्या कन्वर्ट कर रहे थे डोपामिन को, किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, थियो मिथाइल डोपामिन, तो अपन ने क्या दे दिया, टालकोपोन या एंटोकापोन। ठीक है, इसके अलावा माओ बी इनहिबिटर अपन ने दिए सिलेजिलिन एंड रिसेजिलिन। ठीक है, डोपामिन अवेलेबिलिटी को बढ़ाने वाले एमेंटाडिन एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट पढ़े थे अपन ने प्रामिपेक्सोल रोपिनेरोल एंड ब्रोमिक्रिप्टिन। प्रामिपेक्सोल एंड रोपिनेरोल नॉन एर्गो डेरिवेटेड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसोनिज्म। ठीक है, एल डोपा से थ्रियोमिथाइल डोपा बना रहा है COMT और एल डोपा से डोपामिन बना रहा है डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर अपन ने पेरीफेरी के लिए क्या दिया, कार्बिडोपा दे दिया। ठीक है, और इसके अलावा कॉम्ट इनहिबिटर पेरीफेरी में वही टोलकापोन है एंटोकापोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ड्रग्स का जो है रिवाइज हो गया। थैंक यू।